आज ही के दिन 1896 में जापान में भूकंप के बाद आई सुनामी से भयंकर तबाही मची थी। जापान के सान रिकू तट पर आए सुनामी में करीब 22,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस सुनामी की लहरें 80 फीट से 125 फीट ऊंची थी। भूगर्भी हलचलों और दुर्घटनाओं की जानकारी आधिकारिक तौर पर 1900 से ही रिकॉर्ड करनी शुरू की गई थी। 1896 में आई सुनामी की जानकारी विज्ञान अनुसंधान केंद्रों, शोध पत्रिकाओं और पुराने अखबारों के जरिए मिलती है। इसके बाद जापान के इसी तट पर 1933 और फिर 2011 में भूकंप और सुनामी आए। आज एक दिन 1929 में मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुरैया जमाल शेख का जन्म हुआ था। अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मल्लिका सुरैया ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी थी। 1937 में सुरैया ने फिल्म उसने क्या सोचा से बतौर बाल कलाकार अपने करियर की शुरुआत की। मिर्जा गालिब, खिलाड़ी, जीत, विद्या, दो सितारे आदि सुरैया की मशहूर फिल्में हैं। आज के दिन 1932 में भारत के मशहूर ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर का जन्म हुआ था। फरीदुद्दीन ने देश विदेश के कई बड़े उत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन किया था। डागर ने संगीत की शिक्षा अपने पिता उस्ताद जियाउद्दीन खान साहब से ली थी। जियाउद्दीन खान ने डागर को ध्रुपद गायन और वीणा वादन की तालीम दी थी। डागर उस परिवार से हैं जिसने 19 पीढ़ियों तक ध्रुपद गायकी को आगे बढ़ाया। इन्हें पद्मश्री, तानसेन सम्मान और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया है। 1954 में आज एक दिन फुटबॉल संस्था यूएफए का गठन स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में हुआ था। यूरोपीय फुटबॉल में चैंपियंस लीग, यूरोपीय चैंपियंस, सुपर कप और दूसरे प्रमुख मुकाबले कराने की जिम्मेदारी यूएफए की है। यूएफए संघ फीफा के 6 महाद्वीपीय मंडलों में से एक है। यूएफए का गठन इटली, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देशों के प्रमुख फुटबॉल संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद हुआ था। वर्तमान में यूएफए में 54 सदस्य हैं। और आज एक दिन 1971 में ब्रिटेन की तत्कालीन शिक्षा मंत्री मार्गरेट थैचर ने स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिए जाने की योजना को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। 14 जून को इस मामले पर मतदान हुआ और ब्रिटानी संसद में यह प्रस्ताव पारित भी हो गया, लेकिन विपक्षी लेबर पार्टी की कई काउंसिल्स ने अगले ही दिन इसका विरोध किया और धमकी दी कि वो स्कूलों में मुफ्त दूध मुहैया करवाते रहेंगे। सरकार ने कानून तोड़ने के खिलाफ चेतावनी भी दी। थैचर का कहना था कि स्कूलों में मुफ्त दूध देने का सालाना खर्च करीब 1.5 करोड़ पाउंड है, जो किताबों पर किए जाने वाले खर्च से दोगुना है। इस कड़े विरोध की वजह से मुफ्त दूध देने पर रोक लगाने वाला नया नियम सितंबर में ही लागू किया जा सका।